साथियों, मेहनत से कमाए गए आपके एक एक पैसे की कीमत ये सरकार भली भांति समझती है और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं, और इसलिए सरकार की नीतियां और योजनाओं में इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है कि वो गरीबों और मध्यम वर्गों की जिंदगी को आसान बनाए, उनके पैसों की बचत हो। साथियों, ये सरकार की लगातार कोशिश का ही नतीजा है कि पिछली सरकार के समय, अब ये भेद देखिए, इससे मध्यम वर्गीय परिवार, निम्न मध्यम वर्ग परिवार का पैसा कितना बच रहा है। पिछली सरकार के समय जो एलईडी बल्ब था उसकी कीमत 350 रुपया थी, अब इसकी कीमत, सरकार ने उजाला स्कीम का बड़ा अभियान चलाया, 350 का एलईडी बल्ब 40-45 रुपये में आ गया। अब मुझे बताइए, जो एलईडी बल्ब खरीदने वाला मध्यम वर्गीय, निम्न मध्यम वर्गीय है, उसका जेब में पैसा बचा कि नहीं बचा? उसको मदद हुई कि नहीं हुई? और अब समझ में नहीं आता कि उस समय 350 क्यों थे, अब खोज का विषय है। साथियों, अब तक देश में 26 करोड़ से ज्यादा एलईडी बल्ब बांटे गए हैं। अगर एक बल्ब की कीमत में औसतन 250 रुपये की भी कमी माने तो देश के मध्यम वर्ग को इससे लगभग 6,500 करोड़ रुपयों की बचत हुई है। ये छोटा आंकड़ा नहीं है। इतना ही नहीं, ये बल्ब हर घर में बिजली की खपत कम कर रहे हैं, तो इससे बिजली का कंजम्पशन कम होता है, और बिजली कम कर रहे हैं, और इससे भी देश के मध्यम वर्ग में सिर्फ एक साल में ये एलईडी बल्ब लगाने वाले परिवारों में, एक साल में देश में करीब करीब 14,000 करोड़ रुपयों से ज्यादा अनुमानित राशि का बचत हुई है जी, 14,000 करोड़। पहले मैंने बताया एलईडी बल्ब खरीदी में 6,000, बिजली कंजम्पशन में 14,000 करोड़, 20,000 करोड़ रुपये करीब करीब बचना, ये अपने आप में मध्यम वर्गीय परिवारों में कितनी ताकत देता है। सरकार की कोशिश की, और उसके वजह जहां लोकल बॉडीज है, अपनी स्ट्रीट लाइट, जो लोकल बॉडीज की जो स्ट्रीट लाइट है उसमें भी एलईडी बल्ब लग रहे हैं, काफी शहरों ने लगाया है, उन नगर पालिका महानगर पालिकाओं को भी आर्थिक फायदा हो रहा है। अगर हम टायर टू सिटी देखें, जिसका एक मोटा मोटा मैं अंदाज करता हूं, तो करीब करीब सालाना उनका बिजली बिल 10 से 15 करोड़ रुपया कम हुआ है। 10-15 करोड़ रुपया एक नगर पालिका में खर्चा कम होने का मतलब उस नगर के अंदर सुविधाएं बढ़ाने के लिए उसके पास आर्थिक व्यवस्था पनपी है। सरकार ने मध्यम वर्ग को घर बनाने के लिए पहली बार हमारे देश में मध्यम वर्ग को घर बनाने में ब्याज में कभी भी राहत नहीं थी। पहली बार ये सरकार है जिसने मध्यम वर्ग के लोगों को अपना घर बनाने के लिए ब्याज के अंदर मदद करने के लिए फैसला किया है। मध्यम वर्ग का बोझ कम करने, निम्न मध्यम वर्ग को अवसर प्रदान करने और गरीबों का सशक्तिकरण करने के लिए ये सरकार लगातार ठोस कदम उठाती रहती है।